हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। और उसमें मैंने आपको पीछे फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था, और उसमें हमने डेवलपमेंट देखी थी। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में जो डेवलपमेंट होती है थ्रू मेटामॉर्फोसिस होती है, और वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, और किस बिना पर हम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में, तो वो हम देखेंगे सारी। तो आज इस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 9 में मेटामॉर्फोसिस को देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की एक खसूसियत है, एक डिफ्रेंशिएटिव करता है उनको दूसरे फाइलम से, और एक उनकी करेक्टरिस्टिक्स है उनकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस लफ्ज़ दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, एक मेटा से और दूसरा मॉर्फोसिस से। तो यहाँ पर जो मेटा लफ्ज़ है, मेटा, इसका मतलब है मिड, और जो लफ्ज़ मॉर्फोसिस है उसका मतलब है फॉर्म ऑफ फिजिकल फीचर्स, फॉर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो लफ्ज़ मेटामॉर्फोसिस का हमें पता चल गया कि ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ मिलकर बना है, मेटा और मॉर्फोसिस। मेटा कहते हैं मिट को, और मॉर्फोसिस कहते हैं फॉर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली है क्या चीज़। तो मेटामॉर्फोसिस की यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि इफ़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस और इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टिल टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। यानी ये एक ऐसी सीरीज है चेंजेस और इवेंट्स की जो स्टार्ट होती है एग से और टिल टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी एक एग से लेकर कंप्लीट इंडिविजुअल के बनने तक जितने भी चेंजेस उसके दरमियान आती हैं, कितने भी इवेंट्स वहां पर बनते हैं एग से इंडिविजुअल बनने तक, उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इस सीरीज में हमें मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल फीचर्स देखने को मिलती हैं, इसी वजह से इसको नाम भी मेटामॉर्फोसिस देखने को दिया गया है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, उसका यह मतलब बनता है कि इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोस चेंजेस फ्रॉम द फर्टिलाइज एग अप टू दी एडल्ट फॉर्मेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, यानी इसके दौरान ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ चेंजेस के अंडरगोस जाता है, और वो चेंजेस कहाँ से कहाँ तक होती है, फर्टिलाइज एग से लेकर अप टू दी फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट इंडिविजुअल। यानी फर्टिलाइज एग से लेकर एक न्यू इंडिविजुअल के बनने तक जितनी भी चेंजेस आती हैं, उस सारे चेंजेस को, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये मेटामॉर्फोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है प्रोसेस, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की एक स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उसके बाद हम देखते हैं, एक लफ्ज है हमारे पास एक्डाइसिस या मोल्टिंग, वो क्या चीज़ है। तो एक टर्म हमारे पास आती है एक्डाइसिस, या जिसको हम मोल्टिंग कहते हैं। इसकी भी हम दो तरह से डेफिनेशन करते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पीछे आर्थ्रोपोडा के फाइलम में भी आपको बताया था कि किस तरह से होती है, तो यहाँ पर भी सेम वही इसकी डेफिनेशन बनेगी कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन बाय अ न्यू वन इज कॉल्ड एज एक्टासिस और मोल्टिंग। यानी पुराने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना, उसको रिमूव करके एक नया एक्सोस्केलेटन बनाना, उसको हम एक्टासिस या मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस है, इसमें जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि जिस वक्त मुख्तलिफ जो एग है हमारे पास, फर्टिलाइज एग है, वो जिस वक्त मुख्तलिफ सीरीज ऑफ चेंजेस के थ्रू जाता है, अंडरगोज होता है, मुख्तलिफ इवेंट्स उसके उसमें देखने को मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम एक्टाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। यानी ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस अंडर व्हेन अ एग अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस और इवेंट्स कॉल्ड एज एक्टाइसिस और मोल्टिंग, तो इस प्रोसेस को भी हम एक्टाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। तो ये बात भी आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस की ये है कि मेटामॉर्फोसिस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेटामॉर्फोसिस में हमें मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स और चेंजेस देखने को मिलती है, जिसमें लार्वल स्टेजेस हम देखते हैं। तो जो लार्वा और एडल्ट हैं इंसेक्ट्स के, वो इंटायरली डिफरेंट प्लेसेस पर और मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस में ग्रो करते हैं। जब ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस और प्लेसेस पर पाए जाते हैं और वहां पर ये ग्रो करना जानते हैं, तो ये लार्वा
एबल करता है अपने आप को उस कंडीशन से एडवांटेज उठाने के लिए, ये अपने आप को इस तरह से अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लेता है, और ये हर किस्म के एनवायरनमेंट में अपने आप को ग्रो कर सकता है, और ये ऐसा एनवायरनमेंट को सूट करता है, सुटेबल करता है जहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो। यानी इस लार्वल स्टेजेस के हमें ये इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं कि मिलती है कि ये लार्वा उस कंडीशन में अपने आप को ग्रो कराता है जहां पर उसको रैपिड ग्रोथ मिले, तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस आ जाती है मेटामॉर्फोसिस की। उसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यानी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को या आर्थ्रोपोड्स के मेंबर को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। वो टाइप्स कौन कौन से हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहली जो टाइप है हमारे पास वो होती है ए मेटाबोला, ए मेटाबोला। अब जैसा कि आप लफ्ज देख रहे हैं ए मेटाबोला, तो ए का मतलब आप जानते हैं कि ए का मतलब होता है विदाउट, और मेटाबोला मेटामॉर्फोसिस से है। तो यानी ऐसे इस कैटेगरी में, इस टाइप में आर्थ्रोपोड्स के ऐसे मेंबर्स आते हैं आर्थ्रोपोड्स के जिनके अंदर हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती, यानी विच डज नॉट पोजेसिस मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज ए मेटाबोलिसिस या ए मेटाबोला। तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती या मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम इस टाइप में रखते हैं, ए मेटाबोला की टाइप में रखते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में इसके आ जाते हैं इंसेक्ट्स आते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स आते हैं, और हमारे पास एक और टाइप आती है कोलम्बोला भी आ जाते हैं, कोलम्बोला और विंगलेस इंसेक्ट्स वगैरह इस टाइप में आते हैं। दूसरी टाइप देखें अगर आर्थ्रोपोडा की जो ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस की डिवाइड हुई है, वो है हमारे पास हेमी मेटाबोला, हेमी मेटा बोला। यहां पर भी लफ्ज हमें जाहिर कर रहा है हेमी मीन इनकम्प्लीट या मिडल हम कह सकते हैं। तो दूसरी टाइप जो है आर्थ्रोपोडा की वो ये है हेमी मेटाबोला। इस टाइप को हम इनकम्प्लीट टाइप भी कहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इस टाइप में रखा गया है कि जिनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलती है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेमी मेटाबोला। इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, एग, निम्फ और अडल्ट बनता है, तो 3 स्टेजेस इसमें आती हैं। और इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो वो हमारे पास होती है कॉकरोच। तो इसकी एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं यहां पर कॉकरोच, ग्रास ऊपर, ये सारे इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। अब लास्ट टाइप पर जाते हैं आर्थ्रोपोड्स की, वो है हमारे पास लास्ट टोर, वो है यू मेटाबोला। या इसको हम हेलो हेलो मेटाबोला भी कहते हैं, ऐसे है हेलो हेलो मेटाबोला। ये लफ्ज यहां पर एच है। तो हालो मेटाबोला या यू मेटाबोला कौन से होते हैं? वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिले, यानी उनमें तमाम लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिले और फिर जाके इंडिविजुअल बने, तो उस तरह के टाइप को हम कहते हैं यू मेटाबोला या हालो मेटाबोला, कि जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिले। अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं बटरफ्लाइज। तो ये 3 टाइप्स थी जिनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के तहत हमने डिवाइड किया था। पहली टाइप थी ए मेटाबोला, दूसरी थी हेमी मेटाबोला, और तीसरी थी यू मेटाबोला या हालो मेटाबोला। अब हम जाते हैं आगे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस के, मेटामॉर्फोसिस की क्या टाइप है। तो यहां पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस।
अब जैसा कि हमने ऊपर टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा देखा, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस करते हैं, और उनमें उनकी टाइप में हमने देखा कि दो तरह की हमें टाइप देखने को मिली मेटामॉर्फोसिस की, एक कंप्लीट और दूसरी इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर भी सेम जो टाइप्स हैं मेटामॉर्फोसिस की वो दो तरह की हैं, एक है हमारे पास कंप्लीट और दूसरी हमारे पास इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये दोनों क्या चीजें हैं उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी तरह का मेटामॉर्फोसिस जिसमें हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस देखें, यानी जिसमें सारी लार्वल स्टेजेस, सारे इवेंट्स, चेंजेस हम देखें, उस तरह की प्रोसेस को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, द मेटामॉर्फोसिस द टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस विच अंडरगोस कंप्लीट लार्वल स्टेजेस इज कॉल्ड एज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो यहां पर मैं साथ में लिख भी देता हूं, वो पीछे में लफ्ज नहीं लिखता, कंप्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस में डायरेक्ट लिखता हूं विच अंडरगोस कंप्लीट लार्वल स्टेजेस एज लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट इज कॉल्ड एज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो यहां पर आपने डेफिनेशन में देखा कि मैंने डेफिनेशन लिखी कि अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस विच अंडरगोस कंप्लीट लार्वल स्टेजेस, इसमें हमें सारे तरह के लार्वल स्टेजेस देखने को मिले, जैसा कि लार्वल स्टेजेस होते हैं लार्वा बने, फिर प्यूपा बने और फिर अडल्ट बने, यानी कंप्लीट प्रोसेस से ये प्रोसेस गुजरे, तो उस तरह के मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसकी एग्जांपल भी आप लिख लें अपने पास, मैंने आपको ऊपर बताई भी है। इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई का जो साइकिल है वो क्या है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले कि इसमें जो एग होता है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो उसके एग्जांपल में हम लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एग जो होता है बटरफ्लाई का, वो पहले कन्वर्ट होता है, चेंज होता है प्यूपा में, और फिर हमारे पास पहले सॉरी लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, और प्यूपा से वो चेंज होकर अडल्ट में या इंडिविजुअल में चला जाता है। तो अगर आप साइकिल पर गौर करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इवेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, यानी पहले एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, फिर अडल्ट बना, यानी एग और अडल्ट के बनने में कितनी ज़्यादा चेंजेस आ रही है, कितने इवेंट्स हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ पर क्योंकि सारे इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इस लिहाज से हम इसलिए बटरफ्लाई को कहते हैं कि ये हमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को शो करती है। तो ये भी आप समझ लें। अब हम दूसरी टाइप पर जाते हैं मेटामॉर्फोसिस की, और वो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है इनकम्प्लीट होगा, यानी इसमें जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट होगा, पूरा नहीं होगा। तो यहां पर भी हम कहेंगे अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस विच अंडरगोस और विच डज नॉट अंडरगोस कंप्लीट लार्वल स्टेजेस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी ऐसा मेटामॉर्फोसिस की टाइप जिसके अंदर हमारे पास जो इंडिविजुअल है या एग है वो कंप्लीट लार्वल स्टेजेस से ना गुजरे, तो उस तरह के मेटामॉर्फोसिस की टाइप को हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसमें आपको एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो वो है हमारे पास कॉकरोच या ग्रास ऊपर, कॉकरोच वगैरह इसमें आते हैं, जिनके अंदर हमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका भी अभी हम साइकिल देख लेते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किस तरह से ग्रास ऊपर के अंदर या कॉकरोच के अंदर होती है। तो अगर आप साइकिल के ऊपर गौर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर हमारे पास जो एग है, फर्टिलाइज एग है, ये चेंज होता है हमारे पास लिम्फ नेफ में चेंज होता है, और नेफ से
ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है एडल्ट में। यानी यहाँ पर आप अगर देखें इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के साथ अगर आप कंपेयर करें, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपने देखा कि जो एग था वो लार्वा में कन्वर्ट हुआ, लार्वा से प्यूपा में गया और प्यूपा से फिर एडल्ट में बना। यहाँ पर वो बातें सेम नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग नेफ में कन्वर्ट हो रहा है और नेफ आगे से डायरेक्टली एडल्ट में चेंज हो रहा है। इस वजह से इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल है कॉकरोच। तो ये सारा प्रोसेस था मेटामॉर्फोसिस का इस पूरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में जो हमने सीरीज स्टार्ट की डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में, उसमें हमने आज के इस लेक्चर में मेटामॉर्फोसिस को कवर किया कि आर्थ्रोपोडा के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है मेटामॉर्फोसिस की, एक्डाइसिस क्या होता है, मोल्टिंग क्या होता है, और आर्थ्रोपोडा की टाइप्स हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और आखिर में आकर हमने देखा के मेटामॉर्फोसिस की अपनी कितनी टाइप है। वो मैंने आपको बताई दो तरह की टाइप है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और उसमें मैं साथ में आपको उसकी एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो उसकी वीडियो के इंतजार के लिए आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर कीजिए। अल्लाह नेगेबान।